हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आपको इस वीडियो में महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा के जीवन शैली या उनके जीवन परिचय के विषय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन शैली के बारे में। देखिए, महादेवी वर्मा जीवन परिचय। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि यूपी बोर्ड 12th में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, अगर आप महादेवी वर्मा को याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब एजुकेशनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और उससे यूपी बोर्ड से जितनी भी रिलेटेड वीडियोस हैं आप उनको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, यूपी बोर्ड में आखिर पूछे क्या जाते हैं जिसकी मदद से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और फ्रेंड मैंने अपने प्लेलिस्ट में शॉर्ट से शॉर्ट डाला है और आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अपने सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन शैली के विषय में। फ्रेंड देखिए, जीवन परिचय ये 4 अंक के पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड्स 12th एग्ज़ाम में। देखिए, जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी संवत 1963 को होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भकलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम दिशुभि धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवायित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च प्रयाग में हुई। संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गईं। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पवायु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाहोपरांत ही इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मानित सहित उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यकता बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। फ्रेंड्स, अब इतना आप छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं साहित्यिक सेवाएं। अब साहित्यिक सेवाएं भी हम छोड़ दें क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, तो अब इतना हम छोड़ के अब आ जाते हैं हम रचनाएं पर। देखिए, रचनाएं इनकी क्या है। महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व तो इस प्रकार है, मतलब इनकी रचनाएं इस प्रकार है। देखिए, हम आपको बताएंगे किस प्रकार है। देखिए, बात करते हैं पहला हम निहार। इनकी रचनाएँ में सबसे पहला है निहार, यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। दूसरा बात करें रश्मि, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत हैं। तीसरा है नीरजा, इस संग्रह के गीतों में
इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। अब बात करते हैं, देखिए चौथा छोड़ दीजिए, चौथा छोड़ दीजिए, पांचवा छोड़ दीजिए, बात करते हैं यामा। यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। फ्रेंड्स बस आप इतना ही याद करके जाइए, अगर आप इतना याद करके जाते हैं फ्रेंड्स तो आपको 4 मार्क्स 100% मिलेंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो हम आपको बता रहे हैं ये एकदम फिक्स मार्क होता है, इसमें कोई आप डाउट भी नहीं है। ये आपको यूपी बोर्ड 2020 में 99.9% आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थी आज महादेवी वर्मा के जीवन शैली के बारे में। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।